और आप इन दो चीजों को याद रखना, दुनिया के अंदर कोई भी कौम, कोई भी फर्द, कोई भी मुआशरा इस बुनियाद पर बड़ा नहीं होता कि उसके पास मटीरियल कितना है, वो इस बुनियाद पर बड़ा होता है कि उसके वर्चूज कितने स्ट्रांग हैं, उसकी रवायात कितनी स्ट्रांग है, और उसका जो है अपनी तहजीब के साथ और अपने अकायद के साथ कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। जो भी कौम, जो भी फर्द, जो भी मुआशरा इस बुनियाद पर अपनी तरक्की का दारोमदार उसका रखता है तो वो मुआशरा हमेशा तरक्की करता है। और दूसरा, अब आप ये बात प्लीज याद रखिए, और इस बात को मैं बहुत ही इनफॉर्मली आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप याद रखिए कि आप सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अब खुद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, खुद दौलत कमाने के लिए, खुद एक बहुत आसूदा जिंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हुए। आपके और मेरे जुम्मे ऐसी जिंदगी गुजारना है जिससे कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग कहें कि इसकी वजह से मुआशरे के अंदर ये तब्दीलियां आई हैं। इस बात को समझने के लिए एक